योगी जी का ही नहीं और भी कई फोटो है यहाँ पर। नहीं दिखाइए आप, दिखाइए एक बार दिखाइए आप, ये देखिए आप, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का फोटो है, ये मोदी जी का फोटो, माननीय मोदी जी का फोटो आप देखो डस्टबिन में। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए भारत में कितने बुरे हालात है इस खबर से आपको पता चल जाएगा। दरअसल मामला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी मोदी जी और योगी जी की तस्वीर को लेकर जा रहा था। रास्ते में कुछ भक्त मिल गए और भक्त वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिस पर नगर निगम के अधिकारी तिवारी जी ने कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया, जो संविदा पर थे। आप समझिए कि उस व्यक्ति की क्या गलती थी जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। सबसे पहले जो जिन लोगों ने इनको पकड़ा है वो वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं। ये माननीय योगी जी का ही नहीं और भी कई फोटो है यहाँ पर। नहीं दिखाइए आप, दिखाइए एक बार दिखाइए आप, ये देखिए आप, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का फोटो है, ये भी मिला है। ये एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो, ये देखिए आप, इधर भी किसी महापुरुष का फोटो है, फोटो माननीय मोदी जी का फोटो, माननीय मोदी जी का फोटो आप देखो डस्टबिन में, भारत के प्रधानमंत्री का। भैया क्या नाम है आपका? अरे साहब मुझे आपको कहाँ से मिला? पुणे में मिली, ढेर जो भरा मैंने। तो देखा आपने, एक सफाई कर्मचारी जो कूड़ा लेकर जा रहा था उसमें योगी जी और मोदी जी की भी तस्वीर थी। जब कुछ लोग देखते हैं, अंदाजे से लगता है कि वो भक्त ही होंगे, जब वो देखते हैं कि उसमें तस्वीरें हैं वो चिढ़ जाते हैं और वीडियो बनाने लगते हैं और उसका सारा दोष उस सफाई कर्मचारी पर मढ़ देते हैं जो वहां से वो कूड़ा उठाकर ले जा रहे थे। तो आप समझिए, क्या जो वो सफाई कर्मचारी है वो किसी दफ्तर से उतार के लाए थे या फिर उन्होंने जोर जबरदस्ती करके उनको कूड़े में डाला? जाहिर सी बात है, जब वो कूड़ा उठा रहे होंगे तो वहीं पर वो तस्वीरें पड़ी होंगी या किसी दफ्तर से उतार कर फेंक दी गई होगी, तभी वो कूड़ा कूड़े में रख कर ले जा रहे थे। इतनी हिम्मत नहीं होगी उनके अंदर के वो किसी दफ्तर से उतार के ले आए। कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए थी जिन लोगों ने दफ्तर से निकाल कर उसको फेंका था, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती है उस पर जो कूड़ा लेकर जा रहे थे। देखिए, अगर आप एससी एसटी हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, तो आप पे तुरंत कार्रवाई हो जाती है। और अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, अमीर हैं, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब देखिए वहां के जो नगर निगम के अधिकारी हैं तिवारी जी, वो क्या कह रहे हैं। वो सारा दोष उस कर्मचारी पर मढ़ दिया गया है जो वो कूड़ा उठाकर ले जा रहे थे। इनकी जरा ये बात सुन लीजिए, किस तरीके से जो कर्मचारी है उस पर आरोप लगा रहे हैं और उनको दोषी ठहरा रहे हैं और उनको फिर सस्पेंड कर दिया गया है। स्थानीय जनता द्वारा जब उक्त सफाई कर्मी को टोका गया, तब सफाई कर्मी को ज्ञात हुआ कि उसके पास माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीर है। तत्काल सफाई कर्मी द्वारा तस्वीर को कूड़े से हटा दिया गया। इस कृत्य में सफाई कर्मी की लापरवाही परिलक्षित होती है एवं नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा संविदा सफाई कर्मचारी श्री बाबी पुत्र दुलीचंद पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो सुना आपने, ये है सत्येंद्र कुमार तिवारी जो एडिशनल कमिश्नर हैं नगर निगम के। उन्होंने इल्जाम जो है कर्मचारी पर ही लगा दिया, जबकि जिम्मेदारी इनकी बनती थी और नगर निगम के अपना पल्ला झाड़ लिया कि उनकी गलती है, उन्होंने अनजाने में ऐसा किया। अगर उन्होंने अनजाने में ऐसा किया भी तो फिर उनको सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन था? और ये कोई पहली बात नहीं है, अगर उनकी तस्वीरों से इतना ही लगाव है तो फिर ये देश भर में जो पोस्टर लगते हैं जिसमें प्रचार प्रसार होता है, उनका आखिर में क्या हश्र होता है? उनको खंभों से उतार दिया जाता है, पोस्टरों से उतार के फेंक दिया जाता है, सड़कों पर पड़े रहते हैं, लोग उस पर चढ़ के जाते हैं। कई वीडियोज ऐसे आए हैं जहां पर कुत्ते मूत रहे हैं। अगर इतनी चिंता है अपनी तस्वीरों की तो फिर उसको प्रचार प्रसार में इस्तेमाल क्यों करते हैं? लेकिन अगर कोई गरीब मजदूर आदमी इस तरीके की काम करता है या वो इसमें पाया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। और अब देखिए, ये खबर सुनकर अलवर से
एक गुप्ता जी आए हैं राजस्थान अलवर से और जो तस्वीरें धो रहे हैं और इसको राजस्थान ले जा रहे हैं। आप समझिए इन लोगों की भक्ति का क्या आलम है कि एक तस्वीर के बहाने इन्होंने किसी की रोजी रोटी छीन ली, जबकि ये खुद जो होर्डिंग्स लगाते हैं, जो बैनर्स लगाते हैं, देश भर में तमाम लोग इनको फाड़ देते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं, गाड़ियां चलती है, जूते रखे जाते हैं, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन अगर एक सफाई कर्मचारी जो उसका काम है वो काम कर रहा था और वो तस्वीर को ले जा रहा था तो कूड़े में देखकर इनकी भावनाएं आहत हो गई और फिर क्या था, उस पर कार्रवाई करके उसका रोजगार छीन लिया, रोजी रोटी छीन ली और उनको सस्पेंड कर दिया। तो ये हालात है यूपी में, उत्तर प्रदेश में दलितों के। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर है, 121 आदिवासियों को जेल से बरी कर दिया गया है। जी हाँ, NIA कोर्ट ने 2017 के एक मामले में 121 आदिवासियों को बरी किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो भीड़ जा रही है, ये जो भीड़ बाहर निकल रही है, ये कहीं पिकनिक पर नहीं जा रही है, जेल से रिहा हुए हैं। निर्दोष होने के बावजूद 5 साल इन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित करने में जेल में गुजार दिए। आप सोचिए कि किस तरीके के हालात है। अभी हाल ही में एक दंतेवाड़ा में जो नरसंहार हुआ था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और जो याचिकाकर्ता थे, जो एक्टिविस्ट थे हिमांशु कुमार, उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई कि हिमांशु कुमार ने उन पर क्या कहा था। तो आप समझिए, अगर आप आदिवासी हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, तो आपके साथ ऐसी जाती होगी, कानून को ताक पर रखकर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो एडिशनल कमिश्नर है मथुरा के, वो उन पर कार्रवाई नहीं होगी, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। पहले जांच होनी चाहिए थी कि वो तस्वीरें कहां से आई, किसने फेंकी। सिर्फ कूड़े में तस्वीरें देखकर एक सफाई कर्मचारी को नौकरी से निकाल देना, ये कहां का इंसाफ है। उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, लेकिन उस पर तो तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन इसकी जांच नहीं होती कि वो तस्वीरें कहां लगी हुई थी, किसने हटाई और क्यों हटाई, उस पर कार्रवाई कब होगी। वहीं दूसरी तरफ 121 आदिवासियों को NIA कोर्ट बरी कर देती है। 2017 में CRPF के जवानों पर एक नक्सली हमला हुआ था जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद क्या था कि वहां के जो आदिवासी थे, जो गांव वाले थे, उन्हीं को उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया। अब 5 साल बाद NIA कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ऐसे हालात हैं। आदिवासियों को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमने आपको दिखाया कि वहां पर किस तरीके से आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। CRPF के कैंप बनाए जा रहे हैं 200-200 मीटर पर, और ये सिर्फ किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने दोस्त अंबानी अडानी को उनकी जमीनों पर कब्जा करवा सके और वहां पर फैक्ट्रियां लगवा सके। लेकिन ये जो 121 आदिवासी जमा हुए हैं, जिनके 5 साल बेगुनाही में साबित करने में चले गए, इनका हिसाब कौन देगा। ऐसा नहीं है, ये पहली बार हुआ है। मुसलमानों के साथ, मुस्लिम नौजवानों को आए दिन जेल में डाल दिया जाता था, कोई 25 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 14 साल बाद बाइज्जत बरी होता था, उसका कोई दोष नहीं होता था, ये खुद कोर्ट मानती थी। लेकिन उसके जो 20 साल है, 22 साल है, उसका हिसाब कोई नहीं देता था। तो ये दो बड़ी खबरें थी, किस तरीके से एक सफाई कर्मचारी को, जो उसका काम था, जो कर रहा था, उसके लिए उसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 121 आदिवासियों को आज जेल से बाइज्जत बरी कर दिया गया है, लेकिन उनके 5 सालों का जवाब कौन देगा। वहीं उसमें एक खबर आ रही है कि एक आदिवासी की जेल में मौत भी हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।